कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पिछले काफी दिनों से चर्चाओं में है। कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की ये यात्रा 150 दिनों में पूरी होगी, जिसमें राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेता पार्टी का प्रचार करेंगे। इस यात्रा और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर कई फर्जी दावे किए गए, जिन पर किए गए फैक्ट चेक्स आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। इस यात्रा को लेकर बीजेपी का खेमा गलत जानकारी तो फैला ही रहा था, अब कांग्रेस के समर्थक भी इसके बारे में गलत जानकारी फैलाने लगे। इस वीडियो में हम आपको यात्रा के पक्ष और विपक्ष में किए गए दावों की असलियत बताएंगे। अभी हाल ही में ये वीडियो शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने हिंदू देवी दुर्गा की आरती करने से मना कर दिया। फिल्म मेकर और भाजपा समर्थक अशोक पंडित ने 23 सेकंड की ये क्लिप ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट की थी। फिलहाल उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया है। भाजपा समर्थक और कॉलमिस्ट हिमांशु जैन ने भी ये क्लिप ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट की। गौर करें कि हिमांशु जैन को प्रधानमंत्री मोदी ट्विटर पर फॉलो करते हैं। वहीं और भी कई यूजर्स ने ये वीडियो राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। तो क्या वाकई में राहुल गांधी ने हिंदू देवी दुर्गा की आरती करने से मना कर दिया? फेसबुक पेज विद आरजी ने इस वीडियो का लंबा वर्जन सितंबर 2017 को पोस्ट किया था। साथ में ये भी बताया था कि ये वीडियो राजकोट के एक गरबा पंडाल का है। इसे ध्यान में रखते हुए आगे सर्च करने पर इंडिया टुडे की पत्रकार सुप्रिया भारद्वाज का ये ट्वीट मिला, जिसमें राहुल गांधी आरती उतार रहे हैं। कांग्रेस नेता सरल पटेल ने भी मौके की ये तस्वीरें ट्वीट की थी। यहाँ साफ हो जाता है कि राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए 2017 का वीडियो क्लिप ये कहते हुए शेयर किया गया कि राहुल गांधी ने हिंदू देवी दुर्गा की आरती उतारने से मना कर दिया। अब बात करते हैं टाइम्स नाउ के स्क्रीन ग्रैब की। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर अरुण रेड्डी ने ये स्क्रीनशॉट शेयर किया। राजस्थान यूथ कांग्रेस ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए ये स्क्रीन ग्रैब ट्वीट किया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी ये स्क्रीनशॉट रीट्वीट किया है। वहीं फेसबुक पर भी ये स्क्रीनशॉट काफी शेयर किया गया है। व्यूअर्स ध्यान दें कि तस्वीर में टाइम्स नाउ के पूर्व एंकर आनंद नरसिंहा है। फिलहाल ये न्यूज 18 में सीनियर एंकर के तौर पर काम करते हैं। यही हमें शक हुआ कि शायद ये स्क्रीनशॉट पुराना हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखकर हमने रिवर्स इमेज सर्च किया। हमें द टाइम्स ऑफ इंडिया के 2017 के इस आर्टिकल में टाइम्स नाउ चैनल का ये फुटेज मिला। इस ब्रॉडकास्ट में वायरल स्क्रीन ग्रैब के जैसे ही विजुअल्स है, लेकिन वायरल तस्वीर से अलग इस ब्रॉडकास्ट में हार्दिक पटेल, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी और गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवानी है। टाइम्स नाउ ने ये ब्रॉडकास्ट गुजरात और हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों के संदर्भ में किया था। यानी असल में ये स्क्रीन ग्रैब 2017 के टाइम्स नाउ के फुटेज का है, जिसे बाद में एडिट कर हाल में राहुल गांधी की तारीफ करते हुए शेयर किया गया। तो जैसा कि हमने पाया, राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ये वीडियो क्लिप शेयर की गई। वहीं उनके समर्थन में भी कांग्रेस नेताओं ने ये पुराना एडिटेड स्क्रीन ग्रैब ट्वीट किया।